ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों में। राजधानी रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के कंगेर वैली एकेडमी में 16वां एनुअल फंक्शन मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में न्यूज़ 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर और जाने माने वरिष्ठ टीवी एंकर संदीप चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम में संदीप चौधरी ने बच्चों से 1-to-1 बातचीत की और उनके जटिल सवालों का जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को बड़ी अच्छी बातें बताई, वर्तमान में चल रही गतिविधियों को समझाया। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए कांगेर वैली अकेडमी के चेयरमैन संजय जैन ने बताया कि ये कार्यक्रम हम हर साल करते हैं और बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं और इसी के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। और इस बार की थीम था कि साल 2050 में भारत विश्व गुरु क्यों होगा। भारत विश्व गुरु तो होगा, लेकिन वो वैदिक ज्ञान की वजह से होगा, जो वेस्टर्न नॉलेज है उसकी वजह से होगा। इस थीम पर यह पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया था, जिसमें संदीप चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों को पुरस्कार देते हुए बड़ी अच्छी बातें बताई। इसके साथ ही बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा। ये जो लोग जितने नीति निर्धारक हैं, इनके सबके बच्चे अमेरिका और लंदन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको अफीम चटा देंगे कि जी मातृभाषा बहुत जरूरी है, उनके बेटे क्यों जाकर पढ़ रहे हैं। मैं पूरा लाइन से 77 मंत्रियों के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं वो आपको दे सकता हूँ। तो इस बुलावे में मत आइए। हमारा जो इतिहास है गौरवशाली है। आई एम अ प्राउड इंडियन। जो अच्छाइयां हैं मैं उसको मानना चाहूंगा, मैं कमजोरियां भी जानता हूं और आपको भी उनको परखने की जरूरत है। ये हर साल हम करते हैं और जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं उनको प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम होता है बेसिकली, बट उसके साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी थीम पे करते हैं हर साल। और इस बार का थीम था कि 2050 में क्यों भारत विश्व गुरु होगा। विश्व गुरु तो होगा, लेकिन वो वैदिक ज्ञान की वजह से होगा रादर देन की जो वेस्टर्न नॉलेज है उसकी वजह से। तो भारत विश्व गुरु होगा 2050 में अपने वैदिक ज्ञान की वजह से। इस थीम पे ये पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया था और संदीप चौधरी जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे दिल्ली से। उन्होंने बच्चों को पुरस्कार दिए और उसके बाद बड़ी अच्छी बातें बताई उनको, उनके साथ इंटरेक्ट किया और फिर बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ।